पनीर बटर मसाला। मैं आपको आज बताऊंगी कि किस तरीके से आप घर पर ही पनीर बटर मसाला रेस्टोरेंट स्टाइल बना सकते हैं। तो सबसे पहले ले लेते हैं कढ़ाई में ऑयल, साथ ही थोड़ा सा बटर। बटर को मेल्ट हो जाने देंगे और इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी जीरे, साथ ही डालेंगे इस पर कुछ खड़े मसाले, आपके पास जो घर में हो वो डालिए। मैंने यहाँ पे काली मिर्च, लौंग और इलायची डाली है। और अब इसमें हम डाल देंगे प्याज को, साथ ही डालेंगे कुछ अदरक के पीस और कुछ लहसुन, और इनको हम बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर भूंजेंगे। और मैं इसमें डाल दे रही हूँ थोड़ा सा नमक, जिससे कि जो हमारी प्याज है वो जल्दी से भुन जाए। तो यहाँ पर जो हम फ्लेम है उसको मीडियम ही रखेंगे, इससे जो हमारा टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। तो इसमें डाल दिया है मैंने टमाटर। टमाटर मैंने प्याज के दोगुना लिए है, जितने मैंने प्याज ली थी उससे दोगुना टमाटर है। और इनको हम ढककर सॉफ्ट कर लेते हैं। तो देखिए जो हमारे टमाटर है एकदम सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें मिला देते हैं मसाले। मैंने यहाँ एक चम्मच धनिया और थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी लाल मिर्च मिला दी है, और इसको भी हम अच्छे से भून लेंगे, जिससे कि जो मसाले हैं वो भी अच्छे से भुन जाए। और ये हमारी प्याज टमाटर अच्छे से मेल्ट हो गया है, और इसको हम बना लेते हैं ठंडा करके एक पेस्ट। तो ये देखिए हमारा पेस्ट एकदम रेडी है, और उसी कढ़ाई में मैं इस पेस्ट को डाल देती हूँ। मैंने थोड़ा सा ऑयल भी डाला था उसमें, और मसाले में भी पहले से ही ऑयल है तो हमें ज़्यादा ऑयल भी नहीं डालना है। और इसको हम अच्छे से भूंज लेते हैं, और इसमें डाल देते हैं हम थोड़ी सी लाल मिर्च कलर के लिए, और इसको हम अच्छे से भूंज लेते हैं। और साथ ही डाल दिया है मैंने यहाँ पे पनीर बटर मसाला। अगर आपके पास नहीं है तो आप गरम मसाला ही अकेले डालिए, उससे भी टेस्ट अच्छा आएगा। और इसको हम ढककर पकाएंगे। तो देखिए जो ऑयल है वो ऊपर ऊपर दिख गया है, तो मसाला हमारा एकदम रेडी हो गया है। और इसमें हम डाल देते हैं अपने पनीर को। तो यहाँ मैंने पनीर को डाल दिया है, और इसको हम अच्छे से चला लेते हैं। और इसमें मैं डालूंगी फ्रेश क्रीम, आप चाहे तो जो घर की फ्रेश मलाई होती है वो भी डाल सकते हैं, साथ ही स्वाद के अनुसार नमक। और इसको मैं चला देती हूँ। और मैं इसको कम से कम 2 से 3 मिनट और इसे ढककर पकाऊंगी, जो मसाले हैं पनीर में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो देखिए हमारा पनीर बटर मसाला एकदम रेडी है, और इसको अब हम एक बाउल में निकाल के सर्व कर लेते हैं। और मैं इसके ऊपर डालूंगी थोड़ा सा बटर सजाने के लिए, क्योंकि ये पनीर बटर मसाला है। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, अपनी फैमिली और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।